जयप्रकाश जयंती के मौके पर विधायक सरयू राय ने रांची में एक भ्रष्टाचार विरोधी प्रतिनिधि सम्मेलन बुलाया। इसमें कई राज्यों से जेपी आंदोलन के पुराने अनुयायी रांची पहुंचे। उन्होंने कहा कि लोकनायक जयप्रकाश ने 1974 में सत्ता के साथ साथ व्यवस्था परिवर्तन के लिए एक जन आंदोलन का नेतृत्व किया था। सत्ता परिवर्तन तो हुआ मगर व्यवस्था परिवर्तन आज भी एक सपने की तरह है। यह विचार का विषय है कि जेपी के इस विचार को कैसे आगे बढ़ाया जाए कि सत्ता में परिवर्तन आए, व्यवस्था में परिवर्तन आए। लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी का जन्मदिन है, उनकी 120वीं जयंती है, तो हम लोग वास्तव में जयप्रकाश नारायण जी का जन्मदिन मना रहे हैं। विचार आया मुझे मेरे मन में कि एक विशेष तरीके से मनाएं, तो हमने मीडिया के माध्यम से एक नंबर जारी किया, व्हाट्सएप नंबर, मिस कॉल नंबर, इस पर कोई जो चाहता है आना, वो स्वेच्छा से आए यहाँ पर और हम एक भ्रष्टाचार विरोधी जन प्रतिनिधि सभा करेंगे। तो उसी का ये प्रभाव है कि लोग अपने पहले से रजिस्ट्रेशन कराया, मिस कॉल किया, व्हाट्सएप दिया और वही लोग आए हैं। कुल मिला के करीब करीब मुझे लगता है कि 880-890 लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। ऊपर का हॉल है, इसमें 550 लोगों की व्यवस्था है, ये भर जाएगा। तो नीचे भी एक हॉल है जिसमें 200 लोगों की बैठने की व्यवस्था है और सारा कार्यक्रम वहाँ भी स्क्रीन पर दिखाई पड़ेगा। जैसे स्वतः प्रेरणा से, अपने मन से, अपनी इच्छा से लोग आए हैं, किसी को विशेष रूप से आमंत्रित नहीं किया गया है, कोई मुख्य अतिथि नहीं है। भ्रष्टाचार की है, जयप्रकाश जी का जो आंदोलन हुआ था वो आंदोलन भ्रष्टाचार, महंगाई, शिक्षा नीति, बेरोजगारी के खिलाफ था। भ्रष्टाचार पहला मुद्दा था, तो आज वो उस मुद्दे की प्रासंगिकता क्या है? अगर 74 में लोगों ने आवाज उठाया तो हम आज क्या करें, ये क्या करना चाहिए, ये विचार करेंगे। आज के परिप्रेक्ष्य में झारखंड के लिए ये भ्रष्टाचार से अहम मुद्दा कुछ बचा नहीं और जयप्रकाश जी के जन्मदिन पर सदैव सरयू राय जी के द्वारा जिनका जयप्रकाश आंदोलन में भी एक अहम भूमिका रहा। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।